साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित हमारे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, इन दिनों बाढ़ की स्थिति हर दिन भयावह होती जा रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में जहां बाढ़ पीड़ितों को संक्रामक बीमारियों के खतरे के फैलने का खतरा सता रहा है, तो कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। मवेशियों के लिए चारे का अभाव देखने को मिल रहा है। इन दिनों जहरीले जीव जंतु जहां जगह पा रहे हैं वहां भागकर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सर्पदंश की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। कई जगह तो प्रशासन ने सर्पदंश को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य केंद्रों को भी एंटीवेनम और वैक्सीन तैयार रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो हर साल 83,000 लोग सर्पदंश के शिकार हो जाते हैं, जिनमें से 11,000 की मौत भी हो जाती है। विशेषज्ञों की माने तो तिहाई मौत सांप के काटने पर हार्ट अटैक और जागरूकता की कमी की वजह से होती है। इनमें से ज्यादातर घटनाएं इसलिए हो जाती हैं कि कई लोग झाड़ फूंक के चक्कर में समय बर्बाद कर देते हैं, जो पीड़ित के लिए भारी पड़ जाता है। इसीलिए सर्पदंश की घटना होते ही तत्काल नजदीकी अस्पताल अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचना चाहिए। ग्रामीणों की जागरूकता के उद्देश्य से आज के अंक में हम विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे कि सांप का जहर कैसे कम काम करता है और इसका असर कैसे कम किया जाए, इसके लक्षण क्या है और इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए, और खासतौर पर हमारे ग्रामीणों को किस हद तक जागरूक रहने की जरूरत है। आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है बाढ़ और बरसात में डंक का जहर, जागरूकता और उपचार। आपको ये भी बता दें कि सर्पदंश संबंधी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे दो टोल फ्री नंबर हैं, 1800-1130-60, दूसरा नंबर है 1800-1130-61। टोल फ्री है, यानी इन नंबर्स पर फोन करने पर आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देश के दो बड़े विशेषज्ञ, जो पूरे एक घंटे तक यहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि आप हैं वीरेंद्र कुमार और आप आपातकालीन चिकित्सा व जहर रोग प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, और कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बाल रोग विभाग में प्रमुख भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र जी। और हमारे दूसरे मेहमान हैं, इनसे भी हम समझेंगे जहर के बारे में कि किस तरीके से काम करता है और इसको फैलने से कैसे रोकना चाहिए और इस दिशा में सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम और विस्तार से बात करेंगे। दूसरे मेहमान से भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अनिल गुटू जी हैं, आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, और सर्पदंश के उपचार के अलावा आप ये भी बताएंगे कि इस मौसम में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और टाइफाइड की पहचान कैसे करें और किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और चलिए आपको बता दें, साथ ही स्काइप पर रहेंगे जाने माने विश्व वैज्ञानिक डॉक्टर सदानंद राउत, पुणे के सब डिवीजन अस्पताल में मेडिसिन ऑफिसर हैं। और बता दें कि आपने न केवल महाराष्ट्र में सांप के काटे हुए हजारों मरीजों को एक नई जिंदगी दी है, बल्कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सर्पदंश का उपचार भी किया है। आपका ही बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और आज के इस विषय से जुड़े कोई अगर आपके प्रश्न है, कोई आशंका है, आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ऐसी स्थिति में आपको सूझबूझ से काम करना है ताकि इसके खतरे को कम किया जा सके, जान बचाई जा सके, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और जो नंबर हमने आपको बताया उस पर जरूर कॉल करें। आगे बढ़ते हैं और आज की जो हमारी रिपोर्ट है, आई डालते हैं उस पर नजर। शहरों में तेज रफ्तार और आगे बढ़ने की होड़, तो देहात और पहाड़ों में मीलों फैली हरियाली, लहलहाते गांव और भारत को सुदृढ़ और आर्थिक मजबूती प्रदान करते ग्रामीण उद्योग।
जी हाँ, यही तो है तस्वीर गौरवान्वित भारत की। भारत जहाँ हर पल मनुष्य की चिंता करती प्रकृति है, तो खेत और खलियानों में जीव जंतु और पक्षियों की जादुई आवाज भी है। तो इसी प्रकृति में हानिकारक सांप के जहर का डंक भी है। बावजूद इसके प्रकृति में हर जीव का एक योगदान है। योगदान इसलिए कि ये सारे पक्षी कीड़े मकोड़े खाकर जहाँ फसलों को सुरक्षित करते हैं, तो दूसरी ओर और जहरीला दिखने वाला सांप, इसका नाम सुनते ही कलेजा थक से हो जाता है और दहशत सी छा जाती है ना। वैसे बता दें, सांप भी खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि चूहे जो फसलों को खाकर बर्बाद कर लेता है, लेकिन यही सांप इन चूहों को खाकर फसलों की हिफाजत भी करता रहता है ना कमाल की प्रकृति। लेकिन सांप का दूसरा पहलू बहुत ही चिंतनीय है। चिंतनीय इसलिए कि आम तौर पर सर्पदंश का शिकार जहाँ किसान होते हैं, वहीं ज्यादातर मौत आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में सही समय पर सही उपचार और जागरूकता की कमी से हो जाती है। इस कमोवेश को देखने के लिए आइए थोड़ा टहलाएं गांव की ओर। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली खेती करते इन किसानों को किस प्रकार बीज बोने से लेकर फसल काटने तक में जुटे हुए हैं। ये लोग इस बात से बेखौफ और अनजान हैं कि आड़ी तिरछी दौड़ता हुआ एक खतरा इनकी ओर बढ़ रहा है। ये खतरा अंधेरा हो या उजाला, पैर पड़ा नहीं कि इसने टंक मारा। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि भारत हर साल सांप के डंक से 45,900 से लेकर 50,900 लोगों की मौत हो जाती है। से 90% मौत झाड़ फूक और दहशत से हो जाती है। गौरतलब है कि बरसात के मौसम में बिलों में पानी भर जाता है और चूहे बाहर निकलकर घरों में घुसने लगते हैं। ऐसे में सांप अपने भोजन के लिए चूहों की तलाश करता करता घरों तक भी पहुंच जाता है। जी हाँ, वैसे भी गांव में लोग किसी पुरानी चीज को बेकार कभी नहीं समझते, फिर चाहे वो गोबर के कंडे हो या भूसा रखने की जगह, उसे हटाने के बदले एक ही जगह जमा करते जाते हैं। अब देखिए इस कबाड़े के ढेर, ऐसी जगह सांपों के लिए बढ़िया होती है, वो यहाँ रहते हैं और प्रजनन करते हैं। और इसी बीच जब उनका सामना किसी इंसान या जानवर से होता है और इन्हें खतरा महसूस होता है, तो ये हमला भी कर देते हैं। विशेषज्ञों की माने तो 90% सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन कोबरा और करेत का जहर खासकर दिमाग पर असर करता है, जबकि रसेल वाइपर का जहर खून में मिलकर इंसान के तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है। यदि बच गए तो आप विकलांग या अपंग भी हो सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो सांप के काटने के बाद मरीज के पास केवल 1-3 घंटे का ही समय सुरक्षित होता है। इसलिए जरूरी है झाड़ फूक जैसे आडंबर में न पड़कर प्राथमिक उपचार और सही जानकारी की, जल्दी से किसी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने की।
क्योंकि उचित समय पर सही इलाज ही आपके जागरूकता की पहचान होती है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी एक बेहतरीन और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट आपकी समझदारी और जागरूकता की। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र जी, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी दिखाया है कि इस मौसम में गांव में स्थिति और गंभीर हो जाती है और गांव में हम देखते हैं कई ऐसे केसेस आते हैं जहां पर किसान जब खेत में होते हैं या फिर बारिश का मौसम है, बरामदे में बैठे हैं, उस वक्त सांप का हमला हो जाता है। जो ये हमला हम सोचते हैं, क्या वाकई में ऐसा होता है या फिर कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है? जी हाँ, देखिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है जो हम सबको समझना पड़ेगा, और मैं खास करके अपने ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि सांप एक ऐसा जीव है जो बिना किसी डर की वजह से किसी के ऊपर हमला नहीं करता है। तो अगर सांप को कभी ऐसा महसूस होगा कि मुझे मेरे जीवन को खतरा हो रहा है या मेरे ऊपर कोई अटैक करने वाला है, तभी वो अपनी रक्षा में अटैक करने की कोशिश करता है, अदरवाइज नहीं करता। और बहुत से सांप ऐसे भी होते हैं जो जहरीले नहीं होते। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक जिसको हम कहते हैं ड्राई बाइट, मतलब सूखा दंश, जिसमें कि बाइट तो हो जाती है लेकिन जहर नहीं जा पाता है शरीर में, तो ऐसे केसेस में भी हमें ये मानना पड़ेगा और जानना चाहिए कि हर सांप खतरनाक नहीं होता है और उसके काटने में भी ये जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर में जहर का प्रवेश हुआ। लेकिन हम देखते हैं गांव में खास तौर पर जब ये सीजन होता है बारिश का, तो ये समस्या काफी देखने को मिलती है कि सांप निकलना खेतों में। अगर धान के वक्त हम देखते हैं कि कई बार सांप सामना हो जाता है, और कई बार फसल की कटाई के वक्त, और इस मौसम तो बहुत ही ज्यादा स्थिति ऐसी रहती है, तो इसकी वजह क्या वजह हो सकती है? जी हाँ, जैसा कि अभी हमने देखा था, जो हमें चलचित्र दिखाया गया उसमें बताया गया कि देखिए अगर हम सावधानी नहीं रख रहे हैं और गलती से जैसे हमारा पांव सांप के ऊपर पड़ जाता है, तो सांप को वही महसूस होता है कि मेरे ऊपर शायद अटैक हुआ, और वो अपनी रक्षा में काटने की कोशिश करता है। और उसमें बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि जहर शरीर में प्रवेश कर जाता है और नुकसान हो जाता है। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि बरसात के मौसम में जितने जीव जंतु हैं उनके रहने की जगह अस्त व्यस्त हो जाती है। चूहों को बिल में रहते हैं, वहां पानी भर जाता है। बहुत से सांप भी, क्योंकि उनका शरीर का तापमान ज्यादा होता है तो वो ठंडा महसूस करने के लिए जमीन के अंदर रहते हैं, तो पानी वहां भी चला जाता है, तो सांपों को भी बाहर निकल के आना पड़ता है। तो ये जो हमारा जीवन चक्र है थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है बरसात में, इसलिए सांप काटने की घटनाएं ज्यादा देखी जाती है। तो ये हमें एक जानकारी होनी चाहिए। जी, हम बात कर लेते हैं डॉक्टर सदानंद से, जो कि हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। सदानंद जी, जैसा कि हमने देखा है कि हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब किसान, बच्चे, महिलाएं भी जो पशुपालन से जुड़ी हुई हैं, वो जब दूध निकाले जाते हैं पशु से, तो कई बार ऐसी स्थितियां सामने आई हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सांप, जो सर्पदंश हम कह रहे हैं, कितनी गंभीर समस्या है? सर्पदंश एक बहुत गंभीर समस्या है। पूरे दुनिया में देखा तो 50 से 60 लाख लोगों को हर साल सर्पदंश होता है, उसमें से 30 लाख लोगों को विष की बाधा होती है। और भारत में देखा तो 5-10 लाख लोगों को सर्पदंश होता है, और उसमें से 60,000 लोग हर साल मृत्युमुखी पड़ते हैं, और कई लोगों को अपना हाथ या पाव गंवाना पड़ता है। और सर्प काटने के बाद कुछ सेकंडों में या मिनटों में जहर शरीर में जाता है और आदमी गंभीर हो सकता है, उसकी तबीयत गंभीर हो सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो एक बहुत ही खेती जैसे खेती में काम करने वाले लोगों को एक बड़ा अपघात है, और वो उसकी इलाज जो है तो तुरंत होना चाहिए, ये बहुत इमरजेंसी रहती है। जी जी बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि पीछे आपके कुछ मैसेज भी लिखा हुआ है, तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि गांव में तो मानते हैं कि भाई किसान जो है उनका सांप, बिच्छू, इन सब चीजों से दो चार होते ही रहते हैं, वो अपने जीवन का इसे हिस्सा मानते हैं, तो क्या हम इस जागरूकता और इस सावधानी से बिल्कुल जीरो कर सकते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो? ये तो हमने कोशिश की है, 15 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पहले खेती में सर्पदंश की घटनाएं घटती थी, तब पेशेंट को और मरीज को शहर में लेके जाना पड़ता था, लेकिन जब हमने काम शुरू किया तो बहुत मुश्किल हालात में काम शुरू किया, और दिखा दिया है कि सर्पदंश होने के बाद आदमी पूरा
बच सकता है, कितना भी विषारी जहरीला सर्प ने काटा हो तो फिर आदमी बच सकता है। इसके लिए हमने एक कोशिश की कि लोगों में जागरूकता निर्माण की। पहले लोगों में बहुत अंधश्रद्धा और गलत फहमियां थी। लोग पहले सर्पदंश होने के बाद आदमी को मंदिर में या मंत्री के पास लेके जाते थे, तो हमने पूरा जन जागरण किया और लोगों को ये बताया कि सर्पदंश होने के बाद अगर तुरंत इलाज किए, अच्छे इलाज किए तो आदमी बच सकता है। तो ये विश्वास लोगों में बढ़ा और लोग फिर अभी हमारे एरिया में मंदिर में या मंत्री के पास नहीं लेके जाते मरीज को, और वो तुरंत अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ एंटी स्नेक वेनम यानी सर्पदंश की लस उपलब्ध हो, जहाँ अच्छे उपचार हो, और वहां जाने के बाद तुरंत उपचार होने के बाद आदमी जरूर बच जाता है। और तीसरी बात है, जब सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा पहले नहीं थी, अभी सब सरकारी हॉस्पिटल में सर्पदंश की लस उपलब्ध रहती है, और जो प्राथमिक उपचार करने के बाद आदमी को जहाँ अच्छी सुविधा है, जहाँ वेंटिलेटर है, जहाँ डायलिसिस यूनिट है और जहाँ इमरजेंसी उपचार की सुविधा है, वहाँ लेने जाने के बिल्कुल, यानी सदानंद जी हम कह सकते हैं कि जब सांप आपके ऊपर हमला करे या फिर जो स्नेक बाइट हम कह रहे हैं, तो उसके बाद समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने झाड़ फूक और जो इस तरह के उपचार करने में ही समय बर्बाद कर दिया तो जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसकी जान जा सकती है। तो ऐसा ना करें। और ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन से सांप हैं जो जहरीले हैं, जिनके बाद तुरंत आपको एक्टिव हो जाने की जरूरत होती है। इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर अनिल, अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जैसा कि हमने बताया कि ये मौसम ऐसा है जब बारिश काफी होती है और जीव जंतु जहां तहां जगह मिलती है वहां अपने आप को बचाने के लिए छिपते हैं और तब ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन इस मौसम में एक और समस्या है कि कई तरह के और बीमारियां जो हैं वो भी घेरने लगती हैं, मसलन डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, जो इस तरह की समस्या है, इनको लेकर आप क्या सलाह देंगे कि कैसे हमारे जो किसान जो दर्शक हैं सतर्क रहें और अपने आप को ऐसी बीमारियों से बचा कर रखें? तो जो अब तक बात की है उसी को आगे ले जाएं, तो जो परिस्थितियां बदलते मौसम में सांप को बाहर लाती हैं, चूहों को बाहर लाती हैं, बारिश और पानी का इकट्ठा होना, वही परिस्थितियां जहां जहां पानी इकट्ठा होता है, ताजा पानी, वहां वहां मच्छर भी पनपते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैलता है, वही परिस्थितियां। जब चूहे बाहर आते हैं, किसान खेत में रहते हैं तो उनका जो मूत है उससे कहीं संपर्क हो जाए सीधे मुंह से तो लेप्टोस्पाइरोसिस फैलता है। और जब बारिश आती है, बाढ़ लाइक परिस्थितियां बनती हैं, तो पीने का पानी और सुवेज का पानी मिल जाता है, वहां से हैजा और टाइफाइड निकल के फैलता है मक्खी के साथ। तो बचाव इन्हीं परिस्थितियों पे थोड़ी नजर डाले रखें और ध्यान रखें। मच्छर का तो ज्यादातर कहाँ काटते हैं, पैर के नीचे वाले हिस्से में, खुले हिस्से, जितने खुले हिस्से और ये इन एरिया में जो आपके हाथ के नीचे, तो पूरे उसको ढक के रखें। और आजकल बहुत सारी ऐसे मल्लम आते हैं जो कि मच्छर को भगा देते हैं, रेपेलेंट्स बोलते हैं जिनको, उसका प्रयोग करें। और खासकर डेंगू जो होता है, एडीज मच्छर, ये सुबह और शाम को सूर्यास्त के पहले और आसपास और सूर्योदय के आसपास ज्यादा एक्टिव होता है, काटता है, रात को कम, तो उस वक्त खास ध्यान रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो ये तो बचाव के तरीके हैं। और आजकल जो पानी है वो उबाल के पिए क्योंकि मिल जाता है और इससे आता है हैजा। और ये फल जो है वो धो के खाएं, पूरा पका हुआ खाना ज्यादा खाएं, और कच्ची चीजें उसको अच्छी तरह धो के खाएं। जी बिल्कुल, तो संक्रमण होने का जो खतरा है वो इससे घटाया जा सकता है। पानी उबाल कर पिए और जो फल सब्जी है उनको अच्छे से धो लें, उसके बाद उसका सेवन करें। एक दर्शक है हमारे साथ, श्याम सुंदर हैं, जिन्होंने राजस्थान से कॉल किया है। आइए बात करते हैं श्याम सुंदर जी से। जी श्याम सुंदर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो अंजू मैडम, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। श्याम सुंदर शर्मा, 12 जिला छबड़ा, 12 राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैडम। जी स्वागत है आपका। जी मैडम, पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत हैप्पी रक्षाबंधन मैडम, दूरदर्शन टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका ये त्योहार खुशियों से भरा रहे, हमारी यही कामना है। हेलो मैडम, मेरा सवाल ये है। जी जी मैडम, आज का कार्यक्रम का बहुत बड़ा विषय है स्वस्थ किसान में। मेरा स्वस्थ किसान में ये सवाल है कि
किसी व्यक्ति को कोबेरा सांप जीव जंतु या वगैरह जैसे कि हाथ में या पैर में काट लेता है ग्रामीण क्षेत्र से बात ग्रामीण क्षेत्र में या गांव में किसी को तो उसको व्यक्ति को किस प्रकार उसका उपचार सुरक्षित उपचार परिस्थितियाँ क्या परिस्थितियाँ होती है बचाव की और इसको किस प्रकार बचाया जा सकता है जी सदानंद जी जी सदानंद जी से बात करते हैं हम श्याम सुंदर जी बहुत अच्छा आपका सवाल है बच सकते हैं इससे जी बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है सदानंद जी क्या कहना चाहेंगे बहुत जागरूक किसान है ये और इनका ये कहना है कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए सबसे पहले किस तरह की परिस्थितियों में सूझबूझ होना बहुत जरूरी है तो क्या क्या कदम होने चाहिए जैसे ही पता चले किसी को कि उन्हें सर्पदंश का वो शिकार हुए हैं तो पहला कदम क्या रहना चाहिए सर्पदंश होने के बाद आदमी बहुत मानसिक तरीके से कमजोर हो जाता है तो उसको आश्वासित करना चाहिए धीर देना चाहिए वो डर ना जाए कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए हार्ट अटैक नहीं आ जाए आना चाहिए इसलिए उसको आश्वासित करना चाहिए उसके बाद उसको भागने या चलने नहीं देना चाहिए उसको स्वस्थ रूप से सुलाना चाहिए और उसको जो है जहाँ काटा है पैर को अगर हाथ को काटा है तो वो जगह अपने हार्ट के नीचे की लेवल के रखनी चाहिए और उसको कुछ और इलाज नहीं करने चाहिए जैसे कि पहले लोग ब्लेड से काटते थे वो काटना नहीं चाहिए नींबू या मिर्ची खिला देते हैं कुछ लोग अल्कोहल पिलाने को बोलते हैं वैसा कुछ अघोरी कुछ नहीं करना चाहिए जल्द से जल्द वो सांप काटने वाले कटा हुआ आदमी को अपने तुरंत अस्पताल में लेके जाना चाहिए और डॉक्टर को जाते समय बोलना चाहिए कि पेशेंट को क्या तकलीफ हो रही है और वहाँ सर्पदंश की लस उपलब्ध है या नहीं ये बातें कंफर्म करके ही आप आदमी को अस्पताल में लेके जाना चाहिए और जाते समय डॉक्टर को बोलना चाहिए कि पेशेंट को तकलीफ हो रहा है दर्द हो रहा है सांस लेने में तकलीफ हो रही है उल्टी हो रही है ये सब जो लक्षण है सांप काटने के वो डॉक्टर को पहले ही जाने के पहले ही बोलने चाहिए जी जी बिल्कुल डॉक्टर वीरेंद्र आप क्या बताना चाहेंगे कि इस मौसम में किस तरह के केसेस आपके पास पहुंचते हैं क्योंकि कई बार ये होता है कि 90% आपने जैसे कि बताया कि सांप जो है जहरीले नहीं होते हैं लेकिन जब कोई भी व्यक्ति सर्पदंश का शिकार होता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है और शायद वो काफी घबराहट की वजह से भी उसको उस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो कितने पेशेंट इस वक्त आप हॉस्पिटल में देख रहे हैं और क्या बताना चाहेंगे हमारे उन दर्शकों को जो कि सबसे पहले तो एक मानसिक तौर पर भी आपको थोड़ा स्वस्थ रहना या फिर मजबूत रहना बहुत जरूरी रहता है क्योंकि डर एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जी हाँ जैसा कि आपने कहा जानकारी और जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में चाहे वो सर्पदंश की बात हो या किसी और बीमारी को लेकर हो तो सर्पदंश की जब आज हम बात कर रहे हैं तो ये जानकारी और जागरूकता हम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और हमारा जो अस्पताल है वो दिल्ली में एक ऐसी जगह स्थित है जहाँ पहुँचने में अक्सर 2 से 3 घंटे लग जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से भाई बहन आते हैं अपने बच्चों को लेकर तो ऐसे में हमने देखा है कि वो उनको काफी लक्षण ऑलरेडी हो चुके होते हैं जहर शरीर में अपना असर कर रहा होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उनको अपने घर के आसपास जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो भी है वहां पर नहीं है जल्दी से जल्दी पहुंचे क्योंकि जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आपके लक्षण को देखते हुए आपका उपचार वहां पे तुरंत शुरू कर दिया जाएगा और आज जो हमारी भारत सरकार है उसने जगह जगह छोटे छोटे अस्पतालों में भी जो हमारा इस चीज को दवाई दी जाती है ESV जिसे हम कहते हैं एंटीवेनम कहते हैं वो उपलब्ध है तो उसको अगर हम टाइम से दे दें तो ये कहा जाता है कि अगर 4 घंटे के अंदर अंदर एंटीवेनम अगर मरीज को मिल जाए तो ये मानिए कि उसकी जान का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है बिल्कुल नहीं रहता और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई और परेशानी है कॉम्प्लिकेशन है तो उसको आप दूसरे अस्पताल में भी भेज सकते हैं जी। लेकिन जितना जल्दी हो सके उसका उपचार आपको शुरू करना चाहिए। सदानंद जी जैसा कि आप सर्पदंश के विशेषज्ञ हैं और अच्छा अनुभव है आपका पूरे देश में आपने कई लोगों की जान बचाई है अपने अनुभव से वो जिनकी जान इस वजह से बच पाई क्योंकि सही समय पर कदम उठाए गए अगर अपने देश के संदर्भ में बात करें तो किस तरह के सांप कितनी प्रजातियां हैं जो कि खतरनाक हो सकती हैं और इनकी पहचान हमारे जो दर्शक हैं किसान हैं अगर उनके सामने ऐसी कोई घटना आती है तो किस तरीके से कर सकते हैं कि हाँ ये जो सांप है ये जहरीला है क्या ये देखकर वो आम आदमी भी समझ सकता है अगर कुछ बातों का ध्यान रखें इसके बारे में चाहूंगी थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। पूरे दुनिया में देखे तो 3000 तक सांप की प्रजातियां हैं भारत में उसमें से 270 प्रजातियां
मिलती है और उसमें से 52 या 60 सांप की प्रजातियां निम्न विषारी या कम विषारी होती है। और जो 4 महत्वपूर्ण विषारी सांप है उनमें नाग और मन्यार, यानी नाग यानी कॉमन कोबरा, मन्यार यानी क्रेट और करेट कॉमन क्रेट, एंड रजेल स्वाइपर यानी गोनस और सॉस्केल वाइपर यानी फुरसे, ऐसे जो 400 सांप है वो वैद्यकीय दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण सांप है। उनका जहर बहुत जहरीला होता है और उसका असर कुछ मिनटों में हो सकता है। नाग ने अगर काटा तो कुछ मिनटों में, सेकंड में या मिनटों में आदमी की मौत हो सकती है। नाग मान्या वो मज्जा संस्था पर अपना दुष्परिणाम करता है उनका जहर, और आदमी को बहुत तकलीफ होती है। और जो फुरसा है और बोनस यानी रजल स्वाइपर एंड सॉस्केल वाइपर, उनके जहर का असर वो रक्ताभिसरण संस्था और हृदय पर होता है। नाग ने अगर काटा तो कुछ मिनटों में दर्द होने लगता है, वहां सूजन आती है, आदमी को जो पलकिया है वो खोलने में तकलीफ होती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, बात करने में तकलीफ होती है, निगलने में तकलीफ है, और पूरा आदमी बेहोश हो जाता है। उसके हाथ में और पाँव में ताकत नहीं रहती बिल्कुल। और करेट ने काटा तो उसके लक्षण भी नाक जैसे रहते हैं, लेकिन करेट में काटने के बाद वहां सूजन नहीं आती और करेट के दांत बहुत दंत बहुत छोटे होते हैं, निशान नहीं दिखते, और आदमी 5 या 6 घंटे के बाद गंभीर हो जाता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, कभी कभी फिट्स आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और गोनस यानी रजल स्वाइपर बाइट और फुरसे उसने काटा तो आदमी के शरीर में बहुत तीव्र जलन होती है, काटने की जगह पर सूज आती है, पूरे शरीर पर सूजन आती है, और कभी वहां ब्लिस्टर्स आते हैं, उसको फोड़ बोलते हैं, वो भी आते हैं, और उसके नाक में मुंह से पेशाब से खून बहने लगता है और उसको होती है। सदानंद जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, एक दर्शक है काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। राकेश जी है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, उन्होंने हमें कॉल किया। राकेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराए, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुँच पा रही है। कौन कौन से इलाज कराए जा सकते हैं इसी के बारे में अभी हमें सदानंद जी बता रहे हैं। सदानंद जी, ये हमारे दर्शक हैं बाराबंकी से, राकेश जी, तो ये कह रहे हैं कि सर्पदंश का जब भी कोई अगर किसान शिकार होता है तो उसे किस किस तरह के इलाज करने चाहिए, क्या वाकई में उन्हें घर पर भी अपने स्तर पर कुछ इलाज करना चाहिए, लेकिन या फिर सबसे बेहतर यही होता है कि तुरंत ही हॉस्पिटल जाए, किसी डॉक्टर से परामर्श लें, विशेषज्ञ से बात करें। जैसे मैंने पहले बताया कि आदमी को धीर देना चाहिए, उसको सुलाना चाहिए और जल्द से जल्द तुरंत उसको नजदीक के हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, नहीं तो पहला जो महत्वपूर्ण पीरियड है वो बर्बाद हो जाता है और आदमी के मौत होने की शक्यता बढ़ती है। जैसे नाक काटने के बाद आदमी को तुरंत सांस लेने में तकलीफ होती है कुछ मिनटों में, उसको जहां वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है वहां लेके जाना पड़ता है। और ये चारों विषारी जहरीले सांप काटने के बाद पहले से आदमी को एंटीस्नेक्विनम, जैसे डॉक्टर ने बोला कि सर्प दंश की लस देनी पड़ती है, और नाग मन्यार काटने के बाद पहले घंटे में वो 10 वायल्स देने पड़ते हैं और दूसरे 10 वायल्स उसके लक्षण देखने के बाद दिए जाते हैं, और उसके साथ इमरजेंसी दवा है जो नाड़ी की गति नियमित रखे, रक्तदाब नियमित रखे, और ऑक्सीजन देना पड़ता है, ये नाग और मन्यार के बाद देना पड़ता है। और रजल स्वाइपर और फुरसे ने काटा तो उसको उसका रक्तदाब कम होता है, उसको हार्ट अटैक आता है, उसकी दवा देनी पड़ती है, उसका खून देना पड़ता है, उसको रक्त बढ़ता है, सब जगह से रक्त जाता है, खून जाता है, तो उसको खून देना पड़ता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, और उसको जहाँ काटने के जगह पर बहुत सूजन आती है तो वो कम है, उसकी भी केयर करनी पड़ती है। और कभी कभी बोनस के काटने के बाद दोनों किडनियां निकामी हो जाती है, उन लोगों को डायलिसिस भी करना पड़ता है, तो ये सब बहुत तकलीफ होता है पेशेंट को। और उसके जो सब अवयव है जैसे कि हार्ट, किडनी, उसका ब्रेन यानी मज्जा संस्था, उस सब अवयव पर सांप के जहर का असर होता है, तो ये सब का इलाज जैसे जैसे लक्षण आते हैं वैसा करना पड़ता है। और बोनस काटने के बाद आदमी को 30 या 40 तक एंटीस्नेक वेनम के वायल्स देने पड़ते हैं, और उसके साथ सब इमरजेंसी दवा भी देनी पड़ती है। और नाग और मन्यार में काटने के बाद उसको वेंटिलेटर भी लगाना पड़ता है, आदमी को सांस ले सकता खुद को, तो उसको नाक काटने के बाद 1 दिन तक वेंटिलेटर लगाना पड़ता है, और करेट में काटने के बाद कभी 5-6 दिन 10 दिन तक वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। जी,
बिल्कुल, तो आपने बताया कि कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सही समय पर सही कदम उठाया जाए, आप समय ना गंवाएं। और अक्सर ये होता यही है कि अगर इस तरह की घटना होती है तो जो व्यक्ति है उसे उपचार सही समय पर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उसकी जान तक चली जाती है। कितनी गंभीर समस्या हो सकती है, स्थिति पैदा हो सकती है, इसके बारे में भी हमें डॉक्टर सदानंद जी ने बताया। डॉक्टर वीरेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये तो हमने बताया है कि हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और किस तरह के उपचार करने चाहिए, लेकिन हमें क्या नहीं करना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसे खबरें भी पढ़ी हैं, देखी भी है कि अगर सांप का हमला होता है, झाड़ फूक हो गया, और कई तरह के घरेलू उपचार जैसे हम देखते हैं कि कहते चूना लगा दो, शहद लगा दो, इससे जहर निकल जाएगा, गर्मी पैदा होगी उस जगह पर, तो ये सब क्या कितना इनका कारगर होते हैं या फिर ये समय बर्बाद करने बस बात है? जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि अगर किसी को जहरीले सांप ने काट लिया है और उसका सर्पदंश होने के बाद पहली रिएक्शन जो होती है वो ये है कि घबराहट और पैनिक एक रिएक्शन हो जाती है, जिससे कि इंसान दौड़ने लगता है, भागने लगता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। ये सारी चीजें उस इंसान के लिए खतरनाक होती है। तो अभी जैसे कि हमें बताया गया कि अगर किसी को सर्पदंश हुआ है तो उसको एक सुरक्षित स्थान पर लिटा देना चाहिए, और जिस अंग में उसको काटा है, जनरली या तो पैर में काटते हैं या हाथ में काटते हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हाथ या पैर ही एक्सपोज होते हैं जहां पे आसानी से काट लेते हैं जी। तो ऐसे में जब उसको हम लिटा देते हैं तो कुछ चीजें ऐसी महत्वपूर्ण है जो नहीं करनी चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, हाथ पैर नहीं चलाने चाहिए और शांत लेट जाना चाहिए। और जो हमारे आसपास लोग हैं, अगर कोई हमारे पास मदद के लिए अवेलेबल है तो हम उसको तुरंत क्या करना है कि जो चीजें अभी बताई गई, काटना नहीं चाहिए उस एरिया को। बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा हम आपका जहर उतार देंगे, यहाँ पे एक चीरा लगा देते हैं और खून बहा जाएगा तो खून जहर भी निकल जाएगा। और हम देखते हैं कि कई बार पुरानी फिल्म देखते हैं कि जहाँ पर जहर है उसे शक्ल करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये वाकई में ऐसा जी? देखिए, ये सब गलत धारणाएं हैं और सिर्फ हमारे समय की बर्बादी होती है और मरीज की जान का खतरा हो जाता है। तो कभी ना तो कोई आप बैंडेज बांधिए या कोई टूर्निकेट बांधिए, उससे भी क्या होता है कि जो शरीर का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है और पूरा हाथ काटना पड़ जाता है। तो ये सब नहीं करिए। हाँ, उस हाथ पैर को हम ना चलाएं तो क्या करना होता है, किसी लकड़ी के टुकड़े के साथ सिर्फ एक बैंडेज के साथ रैप कर देना होता है, जिससे उसका मूवमेंट ना हो, उसमें कोई हरकत ना हो। अगर हरकत होगी तो हम जानते हैं हमारे शरीर का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, सर्कुलेशन के साथ जो जहर हमारे उस शरीर से हमारे हार्ट और सर्कुलेशन में आएगा और फिर क्या होगा कि सारे शरीर में जहर फैल जाएगा। तो ये चीजें हमें दूर करनी है, उसको रब नहीं करना, किसी चीज से मालिश नहीं करनी है, कोई उस पर दवाई नहीं लगानी है जहां पे काटा गया है। तो इन सारी सावधानियों का अगर हम ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी अस्पताल में पहुंच जाएं तो मरीज की जान को बचाया जा सकता है। एक बार मैं इसी तरह से टी गार्डन में गया हुआ था। टी गार्डन में सांपों का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है जी। तो हमने उनसे पूछा कि आपने हमें बताया कि यहाँ पे सांप आपके पास बहुत है, तो साल में क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सांप के काटने से मर जाते हैं? तो उन्होंने बताया एक भी नहीं। तो हमने पूछा आप ऐसा क्या करते हैं? तो उन्होंने एक अपनी एम्बुलेंस, डेडिकेटेड एम्बुलेंस वहीं पे रखी हुई थी, एक वैन को ही एम्बुलेंस बनाया हुआ था, और जैसे ही सांप किसी को काटता था वो तुरंत 10 किलोमीटर के अंदर अंदर एक उनका हेल्थ सेंटर था, वहां पहुंचते थे और एंटीवेनम देने से आज तक उन्होंने किसी का भी एक गंभीर कोई समस्या नहीं रिपोर्ट की और सबके सब जिनको भी दंश होता था वो सब बच जाते थे जी। जी, तो बस मैंने जैसा कि शुरुआत में भी कहा कि यहाँ पे समय बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी जल्दी आपको उपचार मिल जाए। बहरहाल, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब बच्चे ऐसे दंश के शिकार होते हैं तो उनमें किस तरह का इलाज होता है, उनके लिए किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, और जो हम एंटीवेनम की बात कर रहे हैं क्या उसकी मात्रा बच्चों में अलग होती है, और अगर होती है तो ऐसे में हमारे जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उन्हें किस तरीके से अपने बच्चे के स्वास्थ्य के और ऐसी स्थिति में उनको लेकर कदम उठाने चाहिए। छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, बने रहे स्वस्थ किसान के साथ। खुशहाल होंगे खेत,
पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इस मौसम में जो सर्पदंश की समस्याएं आती हैं, हमारे बहुत सारे किसान इसके शिकार हो जाते हैं, उनकी जान तक चली जाती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जान ना जाए। बस इसके लिए जरूरी है कि आप सही समय पर सही कदम उठाएं और आपको सही उपचार मिल सके। ऐसे में हमारे किसानों की जागरूकता भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार फिर से बता दें कि किस तरीके से आप सावधानी और जागरूकता से अपनी जान बचा सकते हैं, अपने साथी की जान बचा सकते हैं। एक दर्शक है, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ पंडित कदम जी हैं जिन्होंने तेलंगाना से कॉल किया है। आइए इनका सवाल ले लेते हैं। जी सवाल बताएं अपना, कदम जी। हेलो जी कदम जी, सवाल बताइए। मैडम जी हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल बताएं। मैडम मैं जानवरों के बारे में सवाल पूछ रहा हूँ। जानवर अगर केंचुए, एक सांप की जो केंचुए खाता है ना चारे में वगैरह खाने के लिए, उसका जहर फिर पड़ेगा। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। सांप जब नहीं केंचुए छोड़ता है चारे में, चारे में वगैरह डालते हैं ना, उसको उसको अगर गाय या भैंस खा ली समझो। आप सर जी का सवाल समझ पा रहे हैं? हेलो जी, चारे में अगर नहीं कह सांप की जो केंचुए गिरती है उसको गाय या भैंस खाती है, उसका पॉइजन गाय या भैंस को चढ़ता है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। इनका सवाल ये है कि जब सांप अपना केंचुआ छोड़ता है और तो अगर कोई जो मवेशी है वो अगर उसका उसको खा ले तो केंचुए कुछ बता रहे हैं जो अच्छा उनको जो पूरी स्किन होती है तो उससे किस तरह का नुकसान हो सकता है या फिर ये मतलब इससे कोई असर नहीं पड़ता? जी देखिए ऐसा देखा गया है कि बहुत बार ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हमारे सांपों में देखी जाती है कि वो अपनी स्किन या बाहर की जो कवर होती है उसको श्रेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं और एक नई स्किन उनके शरीर पे आ जाती है। और कभी कभार ऐसा होता है चारे के साथ मिलके वो केंचुली जो उन्होंने शेड की है या छोड़ी है वो जानवर के मुंह में चली जाती है, शरीर में चली जाती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो जहर होता है वो सांप के अंदर एक ग्रंथि होती है जिस ग्रंथि से उसके दांत जुड़े होते हैं और जब सांप किसी को काटता है, जब सर्पदंश होता है तो उस ग्रंथि से वो स्राव होकर उस जहां पे छेद हुआ है हमारे शरीर में दांत के साथ वहां पे वो जहर पहुंच जाता है और तब उसको नुकसान करता है। तो इसमें बहम करने का कोई मुझे लगता नहीं है, औचित्य है और उससे जानवर को कोई नुकसान होने का कोई खतरा नहीं है किसी भी तरह। सदानंद जी आप क्या बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारे दर्शक थे और काफी चिंतित लग रहे थे, शायद इनके साथ ऐसा हो चुका होगा कि जो इनके मवेशी हैं, जो गाय भैंस हैं, वो इस तरह की जो हम बता रहे कि एक पूरी जो परत निकलती है सांप जो छोड़ते हैं शेड करते हैं वो उनके चारे के साथ चली जाती है, तो उनमें जहर तो नहीं होता जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया, लेकिन क्या अगर ऐसा होता है तो उस मवेशी पर किसी तरह का प्रभाव या फिर उसके लिए कोई विशेष कदम उठाने की जरूरत होती है पशुपालन? श्रेड खाने के बाद कुछ जानवर को कुछ होता नहीं है बिल्कुल, बट सांप काटने के बाद गाय या भैंस या बैल मर जाते हैं, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। हम लोगों ने कोशिश की है 10-15 बार खेती में, जब बैल या गाय ग्रास खाने को जाते हैं, गवत खाने को जाते हैं, तब उनको सांप काटा होता है और उसको भी एंटी स्नेक वेनम देने के बाद, सर्पदंश की लस देने के बाद वो बच जाते हैं तुरंत लस देने के बाद। तो आप उसको बैल या गाय को आप तुरंत अपने नजदीक के पशु वैद्यकीय अधिकारी के पास लेके जाना चाहिए। उसके भी लक्षण आदमी में जैसे होते हैं वैसे ही लक्षण जानवर में भी आते हैं सांप काटने के बाद। जी डॉक्टर मुथु, एक चीज हम और भी देखते हैं कि हमारे किसान जो है उन्हें खेतों में काम तो करना ही है, ये चीज तो वो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है वो भी तुरंत इतना पास में नहीं होते हैं, तो कितना समय हम कह सकते हैं कि सुरक्षित समय होता है और किस तरीके से खेत में कटाई या बुआई करते वक्त वो सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि पैरों में और हाथों में अक्सर हम देखते हैं कि हमला होता है सांप का। तो जैसा अभी डॉक्टर वीरेंद्र ने कहा कि सांप अपने आप में आक्रामक जीव नहीं है, वो कभी जानबूझकर
हमला नहीं करता इंसान पे, उसका पीछा करके कभी भी हमला नहीं करता, वो अनजाने में जब उस पर पैर पड़ जाए या हाथ लग जाए फसल काटते हुए, या खासकर आजकल जो पैडी की फसल लगती है या पानी भी हो जाता है, ये चावल की फसल जो लगाते हैं उस वक्त, तो हाथों में एक तो ध्यान रहे, लेकिन कई बार जब रोशनी खराब होती है तब ये हो जाता है सुबह शाम के वक्त, तो ग्लव्स यानी दास्ताने जिस चमड़े के या कैनवस के वो पहने तो उससे हाथ बचे रहेंगे। ऐसे ही पैरों पे गम बूट्स जो कि ऊपर तक आए, जो कि चमड़े के बने हुए या रबर, मोटे रबर के बने हुए गम बूट्स, वो पहनकर जब खेतों में जाएं तो बचने की संभावना रहती है, सांप काट जाए तो भी। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि अभी आपने बताया कि किस तरीके से हमारे जो दर्शक हैं वो सावधान रह सकते हैं, किसान रह सकते हैं सावधान, अगर सांप काट भी जाता है तब भी, अब आपकी मुलाकात एक ऐसे मरीज से करवाते हैं, एक ऐसे किसान से करवाते हैं जिन्हें सांप ने डसा था सुबह के वक्त और शाम को उन्हें पता चला और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई, आइए जानते हैं। सांप उसने मुझे डस लिया, मुझे समझा ही नहीं, उस समय मैं जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। गांव में शादी में रात को बारात में मैं गन्ने के खेत में गया था, तो वहां पर मुझे सांप ने काटा, तो सांप के काटने पर मुझे समझा नहीं कि सांप ने मुझे काटा है, तो मैं उस समय सांप के काटने पर रात को बारात में डांस करने चला गया। डांस करने के बाद मुझे बाद में 11:30 बजे चक्कर आने लगी और चक्कर आने पर मैं नीचे गिर गया। सदानंद जी, ये तो बहुत ही स्थिति ऐसी हो जाती होगी कि शायद जब डॉक्टर के पास भी जाते होंगे तब भी तुरंत नहीं समझ आता होगा कि सुबह सांप ने काटा और कई घंटों बाद मरीज को पता चलता है कि उसे सांप ने काटा है, या फिर जब ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या ऐसा भी होता है? ऐसा हो सकता है कभी कभी, स्पेशली जब करेत में काटा, तो करेत होता है तो नींद में काटता है आदमी को, जब खेती में लोग अपनी जमीन पर सोते हैं और करे तो उसके भक्ष के खाने के लिए वो अंदर आता है घर के और जमीन पे सोए हुए आदमी के नीचे आता है और उसको काटता है, तो उसको जो है दंश के जगह दर्द बिल्कुल नहीं होता, तो आदमी को कुछ समझता नहीं और सुबह सुबह दर्द पेशेंट को उल्टी होती है, पेट में दर्द होता है और उसके बाद उसके लक्षण आते हैं 6 घंटे के बाद 12 घंटे के बाद आते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता और आदमी बेहोश हो जाता है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। और सुबह सुबह अगर बच्चों में खास करके पेट में दर्द हुआ और उल्टी हुई और जब, तो समझना चाहिए कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में उसको करेत में काटा हो या नहीं, ये भी डॉक्टर को समझना चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है कि सांप काटने के लक्षण क्या होते हैं। और नाग ने अगर काटा तो जल्द से जल्द लक्षण आते हैं, यानी कि कुछ सेकंड में मिनट में पेशेंट को दर्द होता है, उल्टी होती है। मनार ने काटा तो लक्षण देरी से आते हैं और बोनस और फुरसे ने काटा तो लक्षण तुरंत आते हैं, बट लक्षण कभी कभी देरी से आते हैं क्योंकि जहर कम जाता है अंदर आदमी के, पेशेंट के अंदर, तो लक्षण देरी से आते हैं और जब उपचार में कुछ देरी हुई तो लक्षण ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो कभी भी अगर शंका हो किसने काटा हो, मुंगी ने काटा हो या उंदीर ने काटा हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी अगर काटा है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। जी, एक कॉलर है योगेंद्र है जिन्होंने कोटा से हमें कॉल किया है, आइए बात कर लेते हैं। जी योगेंद्र जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है? हैप्पी रक्षाबंधन मैडम। जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। हेलो जी, योगेंद्र कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ मैडम। जी जी, स्वागत है आपका योगेंद्र जी, बताइए सवाल क्या है आपका? जी मैडम, ये सांप कितने प्रकार का होते हैं सांप, और इससे इसके क्या लक्षण है, इसको किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, घर पे किस किस प्रकार बचा जा सकता है, पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, और ये सांप काटने के उपचार इसका क्या है, डंक का जहर का जागरूकता का उपचार क्या है, बाढ़ और बारिश में इसका काट लगता है तो ये। जी स्वस्थ किसान में कार्यक्रम में कोटा राजस्थान से योगेंद्र।
जी योगेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है। और आज अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इन्हीं प्रश्नों के जवाब हमने चर्चा के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन एक बार फिर से आपके लिए हम दोहरा देते हैं। वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए जैसा कि पहला बताया गया है कि सांप के काटने के ऊपर उसके लक्षण आना, उसके कितना जहर शरीर में गया है उसके ऊपर निर्भर करता है, और सांप किस तरह का सांप है जिसने काटा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो अभी जैसा कि हमें बताया गया है, क्रेट नाम का एक सांप होता है जिसमें आपने देखा होगा कि काली और सफेद पट्टियां होती हैं, एक के बाद एक काली सफेद पट्टियां होती हैं, और वो अक्सर रात को निकलता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सो रहे हैं और वो उनके बीच में घूमने लगता है और वहां पे काट लेता है, बिकॉज हाथ पैर चलने से उसको लगता है कि शायद मुझे नुकसान होने वाला है। तो ऐसे में क्या होता है, क्रेट के साथ सबसे बड़ी ये परेशानी होती है कि जहां पे वो काटता है वहां पे कोई खास लक्षण नहीं होता। मामूली सा अगर हल्का फुल्का सा कुछ जलन या खुजली या दर्द हुआ तो वो बहुत जल्दी अपने आप खत्म हो जाता है, और कोई सूजन नहीं आएगी, कोई वहां पे ब्लैब नहीं बनेगा, कोई किसी तरह का ब्लिस्टर नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। तो और उसके बाद इस ये जो क्रेट का जहर होता है ये हमारी तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करता है, और हमारे तंत्रिका तंत्र पे असर होने से, हमारे दिमाग पे असर होने से क्या होता है कि शरीर के जो हमारी मांसपेशियां हैं उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो जो हमारी सांस लेने की मांसपेशियां हैं उनकी क्षमता कम होगी तो सांस लेने में परेशानी हो जाएगी। आंखें खोलने वाली जो मांसपेशी हैं वो नहीं करेंगी तो आंखें हमारी नीचे की तरफ झुकने लगेंगी, आंख चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये लक्षण है, जब इस तरह से कोई भी बच्चा या बड़ा जब हमारी इमरजेंसी में आता है तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या आप ऐसे हालात में थे जहां आपको सांप ने काटा हो सकता है। तो कई बार उनको नहीं पता होता, उनको पता ही नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो सिर्फ संभावना के बेस पे भी हम एंटीवेनम दे देते हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि मरीज ठीक हो जाता है। जी 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 डॉक्टर गुंटू, मैं जाना चाहूंगी आपसे, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले भी कहा कि हम देखते हैं कि कई बच्चे भी कई बार खेलते हुए इस तरह के दंश के शिकार हो जाते हैं, तो क्या उन्हें भी एंटीवेनम ही दिया जाता है, और क्या उसकी मात्रा अलग होती है, और बच्चों के केस में क्या किसी विशेष सावधानी की जरूरत होती है, क्या बताना चाहेंगे आप? बच्चों को और बड़ों को जो एंटीवेनम है, जो विष के खिलाफ एंटीबॉडीज देते हैं जी, उसकी मात्रा सामान्य है, एक ही है, चाहे बड़ा है चाहे बच्चा है, एक ही मात्रा में देते हैं, क्योंकि जो विष है उसकी मात्रा उतनी ही जाती है बॉडी में, शरीर में, बड़ों के भी और बच्चों के भी, और लक्षण भी लगभग एक से ही होते हैं, इलाज भी एक सा ही होता है, कोई फर्क नहीं है। जी आप क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर? जी देखिए, अब जैसे किसी बच्चे को जहर शरीर में प्रवेश कर गया और बच्चा आपके पास आ गया, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अगर बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है तो हम उसको सपोर्ट दें सांस लेने में, ऑक्सीजन दें, और उसका अगर हृदय की गति कम हो रही है तो उसको सपोर्ट करें, और साथ में तुरंत हमें एंटी स्नेक वेनम जो हमारे पास हर इमरजेंसी में उपलब्ध होता है उसको हम प्रिपेयर करने में 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है, उसको प्रिपेयर करें और एक शुरुआती खुराक हम उसको देते हैं। लेकिन जितने भी हमारे अगर चिकित्सक भाई भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि कई बार जो हम एंटीवेनम देते हैं उसकी भी रिएक्शंस होती हैं, और वो रिएक्शंस भी बहुत गंभीर हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर हमने एंटीवेनम दिया तो जनरली हम क्या करते हैं कि 5 से 10 वायल जो हमारे पास एंटीवेनम की होती हैं उनको हम प्रिपेयर करके सलाइन में मिला के एक इन्फ्यूजन के तौर पे देते हैं मरीज को, और जब तक उसका असर आता है उससे पहले ही अगर कोई रिएक्शन का लक्षण आता है तो हमें घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है, एंटीवेनम को थोड़ी देर के लिए रोक देना है और उस रिएक्शन को मैनेज करने की जो दवाइयां होती हैं जिसमें एड्रेनलिन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है और स्टेरॉयड है, इस तरह की चीजें हम दे के उस रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं और एंटीवेनम हम उसको पूरा दे देते हैं। जी एक दर्शक है मोहसिन जी है जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है, आइए बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। जी मोहसिन जी बताएं सवाल क्या है आपका। हेलो जी सर, मैडम हर साल तो नई बीमारी आती ना, अपनी बात एक बार फिर से दोहराएं। मैडम हम हर साल नई बीमारी आती ना, बारिश में क्या होता, सर्दी खांसी होती मैडम।
सर्दी खांसी की समस्या का सामना कर रहे हैं? किसान है मैडम हम, महाराष्ट्र जी। डॉक्टर गुरु क्या बताना चाहें, सर्दी खांसी जैसी समस्या? ये सर्दी खांसी दो संदर्भ में हो सकती है, आपको समझ में आया मुझे पूरा। एक होती है कि हर साल उसी वक्त बदलते मौसम में नाक बंद या बहे, खुजली आए और या फिर खांसी आए, बदलते मौसम में ये समस्या तो है। अगर हर साल उसी वक्त बदलते मौसम में आपको ये होता है तो वो एलर्जिक ज्यादा लगता है, जिसका इलाज है अच्छा, आस्थमा हो सकता है, दमा या एलर्जी वही नाक में भी हो जाती है, नाक बंद और बहने लगती है, और ये सीजनल होता है इसी वक्त। अगर दूसरी चीज आजकल जो चली हुई है और चलती भी है, जब बदलता मौसम जब बदलता है, वो है वायरल इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, जो वायरल कॉमन कोल्ड्स होते हैं जिसमें नाक बहता है, नाक बंद होती है, गले में दर्द होता है, बुखार होता है, और 5 से 7 दिन रहता है फिर अपने आप ठीक हो जाता है, जो आम होता है वो हो सकता है वायरल, और या फिर एलर्जिक हो सकता है। वो आपकी हिस्ट्री से पता लगेगा कि वर्ष प्रतिवर्ष होता आया है, होता जाता है या कभी कभी होता है। जी बिल्कुल, तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। सदानंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप WHO से जुड़े हुए हैं, तो अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारी सरकार इस समस्या को लेकर किस तरह के कदम उठा रही है? क्योंकि जैसे कि मैं देख भी पा रही हूँ कि आपके पीछे मैसेज भी है कि एक भी मृत्यु सर्दन से नहीं होनी चाहिए, ये टारगेट है। तो सरकार की तरफ से इसको लेकर किस तरह के कदम है और किस तरह की व्यवस्था हम देख पा रहे हैं? सर्पदंशक मोस्ट निग्लेक्टेड यानी अति दुर्लक्षित गंभीर आजार है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कोशिश है कि 2030 तक ये मृत्यु का प्रमाण 50% तक कम करना। तो इसके लिए WHO कोशिश कर रही है और अपनी गवर्नमेंट भी उसके साथ काम कर रही है। तो उसको कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता करना और डॉक्टरों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देना, यानी पैरामेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, खास करके जो वैद्यकीय अधिकारी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको सर्पदंश के बारे में ट्रेनिंग देना, और जो सर्पदंश की लस रहती है एंटी स्नेक वेनम, वो सब जगह उपलब्ध करना और अच्छी क्वालिटी की सर्पदंश की लस उपलब्ध करना। जैसे कि डॉक्टर ने पहले बताया कि उसकी बहुत सीवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन आती है सर्पदंश की लस देने के बाद, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये सब टारगेट्स WHO के है। और उसके लिए WHO ने एक रोस्टर ऑफ एक्सपर्ट्स तैयार किया है अबाउट सर्पदंश के इलाज के बारे में और उसके साथ बाकी बारे में। तो इसके एक्सपर्ट के इस रोस्टर ऑफ एक्सपर्ट्स में भारत के कुछ डॉक्टरों को समाविष्ट किया गया है, उसमें से मैं एक मेंबर हूँ, और हम लोग जरूर कोशिश करेंगे भारत सरकार के साथ काम करके कि भारत में जो सर्पदंश की घटनाएं घटती है वो कम करेंगे, और उसके मृत्यु का प्रमाण है वो भी कम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखा तो हमने 15 साल में 5,000 से ज्यादा लोगों को बचाया है। जी वाकई में सराहनीय, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदानंद, हमारे साथ आप जुड़े हैं, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। डॉक्टर वीरेंद्र, बहुत कम शब्दों में मैं अंत में आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से किस किस तरह के और कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आप सरकारी अस्पताल से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह का प्रभाव आप देख रहे हैं और तब से अब में तस्वीर किस तरह से बदली हुई देख रहे हैं आप? जी हाँ, देखिए अगर हम पिछले कुछ दशकों में और आज देखें तो सर्पदंश से मृत्यु में बहुत कमी आई है, और उसका मेन जो कारण है कि जागरूकता बहुत बढ़ी है किसान के लेवल पे, घर के लेवल पे और हर जगह। और दूसरा, जब हमें उस मरीज को जहां पे सर्पदंश हुआ वहां से अस्पताल जाना है तो ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, तो हमारी भारत सरकार ने आज की तारीख में फ्री एम्बुलेंस सर्विस दे रखी है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि एंटी वेनम तुरंत अवेलेबल हो, तो एंटी वेनम की उपलब्धता छोटे से छोटे अस्पताल में भी कराई हुई है। तो ये तीनों चीजें जब एक साथ मिल जाती है तो मृत्यु की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आए, और सदानंद जी हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ आज के कार्यक्रम में साझा की। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी विशेषज्ञों की सलाह से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। और यहाँ आपको बता दें कि पिछले सप्ताह कुछ ईमेल हमारे पास पहुंचे हैं जिनमें कई दर्शकों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्या हमारे साथ साझा की है, और एक किसान ने हमें मेल किया है, उसके बारे में आपको बता दें, बस्ती उत्तर प्रदेश से भगवान दीन जी हैं, जिन्होंने पूछा है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में और साथ ही पसलियों में काफी दर्द रहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए।
आपको बता दें कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को हम लेकर हाजिर हो और उनसे आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचा सके और इसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। आप चाहे तो हमें पत्र लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, हमारा पता है दूरदर्शन किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है ईमेल से अपने सवाल हम तक पहुंचाने का, swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह होगी आपसे फिर मुलाकात और तब तक हम यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। खेतों में जाएं तो जिन बातों के बारे में आज हमने जानकारी दी, जो सावधानियां हैं उन्हें जरूर बरतें और बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है जब एक भी मौत सर्पदंश की वजह से नहीं होगी। बस जरूरत है कि सही समय पर सही कदम उठाएं और जागरूक रहें। नमस्कार।